हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन ऑटो साइकिल। इस लेक्चर हम देखेंगे कि ऑटो साइकिल किस तरह से, जो ऑटो साइकिल पर बेस्ड इंजन होता है वो वर्क करता है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है ऑटो साइकिल में, और किस तरह से हम ऑटो साइकिल का जो एक्सप्रेशन होता है, डेरिवेशन होता है, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई वन बाई वन हम देखते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेशन देखेंगे। तो इसमें जो पहला है, बेसिकली सबसे पहले ये समझते हैं थर्मोडाइनिक साइकिल क्या होती है। ठीक है, तो थर्मोडाइनिक साइकिल को समझते हैं। थर्मोडाइनमिक साइकिल बेसिकली बहुत सारी प्रोसेस से कंसिस्ट होते हैं। तो थर्मोडाइनिक जो आपकी साइकिल होती है, थर्मोडाइनिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ थर्मोडाइनिक प्रोसेस। ठीक है, अब मेजर जो थर्मोडाइनिक साइकिल्स होती हैं, दैट कैन बी, और थर्मोडाइनिक प्रोसेस की दूसरी साइकिल की दूसरी जो प्रॉपर्टी वो ये है कि जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहीं पर एंड अप भी होती है, मतलब साइकिल कंप्लीट होती है, अगेन एंड अगेन वही साइकिल चलती रहती है। तो थर्मोडाइनिक साइकिल्स को बेसिकली दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है गैस पावर साइकिल, जिसको हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है वेपर पावर साइकिल। तो गैस पावर साइकिल क्या होती है, जिनमें आपका वर्किंग फ्लूड है उसको क्या माना जाता है, एयर इज सपोज टू बी द वर्किंग फ्लूड। जैसे आपका ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, ड्यूल साइकिल है, ब्रेटॉन साइकिल है, तो ये सब किस में आते हैं, गैस पावर साइकिल में। इधर दे वी कैन कंसीडर देम एज अ गैस पावर साइकिल और एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एज द वर्किंग फ्लूड इज सपोज टू बी एयर। सेकेंड कैटेगरी ऑफ द थर्मोडाइनमिक साइकिल इज द वेपर पावर साइकिल, जिसमें आप वेपर्स वो यूज करते हो इन प्लेस ऑफ एयर। तो जैसे इसमें दिया है द वर्किंग फ्लूड इज वेपर, और इसमें एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो रैंकिन साइकिल है, जिसमें आपके थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो सब रैंकिन साइकिल पर काम करते हैं। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, जिसपे आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम करता है। तो ये एग्जाम्पल है आपका वेपर पावर साइकिल का। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं जो आपका ऑटो साइकिल है वो किस तरह से वर्क करता है। तो ऑटो साइकिल इंजन, जैसे यदि हम इंजन की बात करें तो इंजन में चार स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। ठीक है, तो इसमें भी होता है पेट्रोल, जो आपका पेट्रोल इंजन होता है जिसमें ऑटो साइकिल होती है, तो इसमें भी चार प्रोसेस होंगे। सबसे पहले होगा इसमें सक्शन। तो जो सक्शन प्रोसेस होती है उसमें आप देखेंगे पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो सक्शन स्ट्रोक है इसमें आपका पिस्टन है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये आपको डायरेक्शन दिखाया गया है पिस्टन का। ठीक है, और सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, आपका जो सक्शन वॉल्व होगा बेसिकली इसमें क्या है, जैसे हम इंजन की बात करते हैं उसमें सक्शन वॉल्व है, डिलीवरी वॉल्व है या डिस्चार्ज वॉल्व है, एग्जॉस्ट वॉल्व है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा। टीडीसी बीडीसी जैसे आपने पढ़ रखा है, टीडीसी होता है टॉप डेड सेंटर, जो आपका सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम टीडीसी बोलते हैं, और सिलेंडर का जो नीचे वाला हिस्सा है पिस्टन जहाँ पर नीचे डिसाइड करता है उसको हम बोलते हैं बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। तो टीडीसी से बीडीसी जब पिस्टन जाएगा तो सक्शन का प्रोसेस होता है, और उस टाइम पे एग्जॉस्ट वॉल्व आपका बंद रहेगा और आपका जो सक्शन इनलेट वॉल्व है वो ओपन रहेगा। अब यदि आप इसमें देखेंगे तो जो सक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, वो सक्शन का प्रोसेस किस पे हो रहा है, कांस्टेंट। आप देखेंगे सक्शन का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। देखेंगे इस केस में क्या है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। ये पीवी डायग्राम है जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिखा रहा है प्रेशर, और सॉरी जो वर्टिकल एक्सिस है वो प्रेशर दिखा रहा है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो वॉल्यूम दिखा रहा है। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में ये बोलते हैं, जो वाई एक्सिस होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और एक्स एक्सिस होता है उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। तो इसमें वाई एक्सिस पे हमने प्रेशर को दिखाया है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम को शो किया। तो आप देखोगे इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर कॉन्स्टेंट है। अब इसमें ये समझते हैं कि प्रेशर किस तरह से कांस्टेंट रहता है। बेसिकली हो क्या रहा है कि यदि आप इसमें देखेंगे पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। लेकिन इसमें पैरेलली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है वैसे वैसे बाहर से जो चार्ज है वो चार्ज आता जा रहा है, तो पिस्टन सिलेंडर के बीच में जो स्पेस है उसमें वॉल्यूम एक्युमुलेट होता जा रहा है, तो उससे क्या होगा, वो प्रेशर बढ़ेगा। तो दो काउंटर फिनोमेना चल रहा है, एक तो पिस्टन लगातार नीचे जा रहा है जिससे प्रेशर कम हो रहा है, और दूसरा लगातार मास अंदर आ रहा है, लगातार मास अंदर आएगा तो उससे प्रेशर बढ़ेगा। तो ये दोनों फिनोमेना क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसलिए इसमें क्या रहता है, प्रेशर
कांस्टेंट रहता है, आप प्रेशर कांस्टेंट रहने का क्या लॉजिक है वो आपको समझ में आ गया। तो सक्शन हो गया, अब सक्शन के बाद इसमें जो दूसरी प्रोसेस होती है वो दूसरी प्रोसेस है आपका कंप्रेशन। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे यहां से 0 to 1 मैंने इसमें सक्शन दिखा दिया, 1 से 2 कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन में क्या होगा, इसमें अब डायरेक्शन वगैरह सब मैंने दिखाया हुआ है, या देखो पिस्टन नीचे से बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा तो कंप्रेशन होगा। और कंप्रेशन में आपका ये यहाँ पे वाल्व लगे हुए हैं, ये दोनों वाल्व क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। सक्शन वाल्व आपका इनलेट वाल्व भी क्लोज होगा और आउटलेट वाल्व भी क्लोज होगा, आउटलेट या एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो प्रेशर है वो बढ़ेगा क्योंकि पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसमें जो वॉल्यूम एक्यूमुलेट हुआ है पिस्टन सिलेंडर के बीच में, वो वॉल्यूम धीरे धीरे वॉल्यूम को पिस्टन क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करेगा तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, तो 1 से 2 में जैसे जैसे पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है और आपका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो ये कंप्रेशन प्रोसेस हो गया। कंप्रेशन के बाद यदि आप देखेंगे तो तीसरा है हीट एडिशन एंड एक्सपांशन। जैसे पिस्टन टीडीसी को अप्रोच करता है, ठीक है, टीडीसी पे पहुंचने वाला होगा, तो क्या होगा, एकदम से जो चार्ज है ना, वो चार्ज का सॉरी, जैसे ही पिस्टन टीडीसी को अप्रोच करने वाला होगा तो स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट होगा, जिससे आपका एकदम से हीट का एडिशन होगा। तो इस टाइम पे चूंकि स्पार्क प्लग से हीट का जनरेट होना और पिस्टन के मूवमेंट के बीच में देखा जाए, तो ये स्पार्क प्लग से जो हीट जनरेट होती है वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जनरेट होती है, और ऐसे पिस्टन मूव हो रहा है स्पीड से। लेकिन दोनों फिनोमेना को हम एज अ मतलब उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन 0 मान सकते हैं, क्योंकि वो बहुत फास्टली अकर हो रही है दोनों चीजें। तो इस केस में क्या है, वॉल्यूम जब हीट का एडिशन होगा उस टाइम पे वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे हुआ, क्योंकि हमने ये मान लिया कि जिस टाइम स्पार्क प्रोड्यूस हो रही है उस टाइम पिस्टन स्टेशनरी है, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं होता है, लेकिन आप रिलेटिवली उस चीज को मान सकते हो क्योंकि स्पार्क बहुत तेजी से फास्टली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आप देखो कि 2 से 3 जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हीट एडिशन हो रहा है, और हीट एडिशन का मतलब ये है जो आपका स्पार्क प्लग है वो आपका स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है उस केस में। ठीक है, और जो उसके अंदर चार्ज होगा, चार्ज का मतलब मिक्सिंग ऑफ एयर और पेट्रोल का जो मिक्सर होगा वो बर्न होगा। ठीक है, जैसे ही आपका उसमें बर्न होगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो हॉट फ्लू गैसेस हैं उससे हाई प्रेशर जनरेट होगा, और जब वो हाई प्रेशर जनरेट होगा तो वो हाई प्रेशर किसके, पिस्टन के ऊपर एग्जर्ट करेंगे। पिस्टन के ऊपर जब वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं एक्सपांशन। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन में जैसे टीडीसी को अप्रोच किया पिस्टन तो उसमें स्पार्क प्लग से हीट का एडिशन हुआ, हीट का एडिशन हुआ तो जो उसमें चार्ज था वो बर्न हुआ, तो हाई प्रेशर जनरेट हुआ। हाई प्रेशर से जो हॉट फ्लू गैसेस थी उन हॉट फ्लू गैसेस ने पिस्टन के ऊपर एक थ्रस्ट अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, जिससे पिस्टन नीचे की तरफ मूव होगा, और उसमें जो आपका हॉट फ्लू गैसेस होंगे उनका क्या होगा, एक्सपांशन होगा। तो 3 से 4 जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, जो हॉट फ्लू गैसेस हैं उनका प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कंप्रेशन और एक्सपांशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है। एक्सपांशन में क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से ये हो रहा है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ब्लो डाउन एंड एग्जॉस्ट। तो पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, अब क्या होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा टीडीसी से, फिर बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही वो टीडीसी को अप्रोच होने वाला हुआ, ठीक, तो इसमें एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। अब जो 4 to 1 प्रोसेस है ये बेसिकली शो किया है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है, क्योंकि जब पिस्टन मूव हो रहा होगा और एग्जॉस्ट वाल्व खुल रहा होगा तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन भी हमने क्या माना है, 0 माना है। मतलब जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो हम ये मान के चलते हैं पिस्टन स्टेशनरी, और इसको हम मान भी सकते हैं कि जो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रहा है वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो रहा है। ठीक, उसके बाद फिर जो एग्जॉस्ट वाली प्रोसेस है वो भी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। क्यों कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्योंकि आप देखोगे कि जब एग्जॉस्ट हो रहा है तब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, अभी भी ऐसा नहीं पिस्टन स्टेशनरी है और गैसेस बाहर की तरफ जा रही, तो गैस जब बाहर की तरफ एग्जॉस्ट गैसेस एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस लीव हो रही होंगी तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर कम होगा। ठीक है, लेकिन पिस्टन कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है टीडीसी की तरफ,
तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये दोनों चीजें भी एक दूसरे को क्या कर देती हैं, बैलेंस कर देती हैं। ठीक है, तो ये 1 to 0 फिर जो प्रोसेस है वो क्या है, एग्जॉस्ट है। 4 to 1 क्या है, ब्लो डाउन है। तो ये तो पूरी साइकिल के बारे में हो गया। और इसमें बेसिकली और चीजें देख सकते हैं कि आपका जो पिस्टन है वो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट रहता है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक से कनेक्ट रहती है। तो जब पिस्टन एक बार टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी मूव करता है तो क्रैंक पूरा अपना एक रिवॉल्यूशन कर लेता है। मतलब ये जो चार प्रोसेस कंप्लीट हो रही हैं, चार प्रोसेस कौन सा हो गया, आपका सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, हीट एडिशन एक्सपांशन हो गया, और एग्जॉस्ट ब्लो डाउन एग्जॉस्ट हो गया। तो इन चारों प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो क्रैंक है आपका वो 2 बार रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो उसके बारे में हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका जो डेरिवेशन है उसको देखते हैं। तो मैं इसको पूरा फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं। देखिए, अब इसका जो डेरिवेशन है उस पर जाते हैं। तो ये मैंने इस पर पहले से ड्रॉ कर रखा है जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके, सबसे पहले आप देखो इसमें ये पीवी डायग्राम है। ठीक है, तो पीवी डायग्राम पे मैंने शो किया है प्रोसेस 0 to 1, सक्शन है आपका, 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 3 हीट एडिशन, 3 से 4 एक्सपांशन, और 4 to 1 आपका हीट का रिजेक्शन। ठीक है, तो जो प्रोसेस हो रही है 1 to 2 में ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 में जो प्रोसेस हो रही है वो ये है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और 3 से 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन या रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन, और 4 to 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो इंजन की यदि मैं इफिशियंसी की बात करूं तो हम इंजन की इफिशियंसी कैसे डिफाइन करते हैं, इंजन की इफिशियंसी होती है ईटा। ये मैंने एक डेरिवेशन बताया अभी, उसमें लेक्चर में बताया है। तो इफिशियंसी इक्वल्स होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या हम इसको बोलें कि 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन। ठीक है, तो हम यदि किसी तरह से ये निकाल लें तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया 1 से 2 में प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो इफिशियंसी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी, ये आप देख पा रहे हो ये इफिशियंसी है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जिसमें Q2 रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड और Q1 रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट एडिड। तो आप इसमें देखेंगे कि हीट एडिशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है, 2 से 3 में स्पार्क प्लग जब प्रोड्यूस हो रही है और फ्यूल का कम्बशन हो रहा है। तो 2 से 3 में यदि हम हीट एडिशन का निकालें तो Q1 इक्वल्स हो जाएगा MCB, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा हो, MCB डेल T। तो M क्या है, मास फ्लो रेट किलोग्राम पर सेकंड में, CB क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल T क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2। तो यहाँ पे ये हमने निकाला है इस चीज़ को Q1 को। ठीक है, MCB T3 माइनस T2। अब ऐसे ही हीट का रिजेक्शन, हीट का रिजेक्शन किस में हो रहा है, कौन सी प्रोसेस में हो रहा है, हीट का रिजेक्शन हो रहा है आपका 4 to 1 में। तो 4 to 1 में हीट का रिजेक्शन आप देख लेंगे तो MCB मास फ्लो रेट सेम रहेगा, CB स्पेसिफिक हीट है वो भी सेम रहेगी, ΔT, तो ΔT हो जाएगा इसमें T4 माइनस T1। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने निकाला एफिशिएंसी इक्वल्स 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, अब मैं यहाँ से ये जो Q1 और Q2 की फॉर्मूले से वैल्यू निकाले उनको हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। तो आप देखोगे इसको यहाँ पे ही हमने वैल्यूज पुटअप कर दिए हैं। ठीक है, तो 1 माइनस MCB T3 माइनस T2 Q1 की वैल्यू पुटअप कर दी, और नीचे हो जाएगा MCB T4 माइनस T1, ये किसकी वैल्यू पुटअप कर दी मैंने, हीट रिजेक्टेड की वैल्यू पुटअप कर दी। तो MCB से MCB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा कुछ इस तरह का, 1 माइनस T3 अपॉन T4 माइनस T1, MCB कैंसिल आउट हो गया। तो ये एक एक्सप्रेशन ये आ गया इसका। ठीक है, इफिशियंसी का। अब इसके बाद फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब प्रोसेस 1 2 कंसिडर करते हैं। ठीक है, यदि आप देखोगे तो प्रोसेस 1 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है या रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो 1 से 2 में क्या होगा, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसकी ये करेक्टरिस्टिक होती है, वो ये पाथ फॉलो करती है, P1V1 की पावर γ इक्वल्स P2V2 की पावर γ, जिसमें गामा रिप्रेजेंट कर रहा है आइसेंट्रोपिक इंडेक्स, है ना, जो कि गामा ये स्पेसिफिक हीट का रेशियो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो गामा इक्वल्स आप ये भी बोल सकते हैं CP अपॉन CV। तो P1V1 की पावर γ इक्वल्स हो जाएगा P2V2 की पावर γ। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, P1 अपॉन P2 अपॉन P1, यदि आप
इस पी वन को इधर भेजोगे और वी टू को इस तरफ भेजोगे, तो पी टू अपॉन पी वन इक्वल्स क्या हो जाएगा, वी वन, ये इसको आपने इधर भेजा और इसको वी टू को इस तरफ भेजा, तो पी वन अपॉन पी टू या पी टू अपॉन पी वन इक्वल्स हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा। तो आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों के ऊपर पावर गामा है तो होल में पावर गामा लिख दिया, पी टू अपॉन पी वन इक्वल्स वी टू वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब एक इक्वेशन है जो कि हर ये जो इक्वेशन थी ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, और एक गैस इक्वेशन है जो कि आपका हर प्रोसेस के लिए वैलिड है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये प्रोसेस लगाते हैं पी वन बी वन अपॉन टी वन इक्वल्स पी टू बी टू अपॉन टी टू। तो यहाँ से हमने क्या किया, पी वन पी टू वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, तो इसको ये पी टू है, इधर से ये पी वन हमने इधर ले आया है, तो पी टू अपॉन पी वन इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म इस तरफ वाले उस तरफ चले जाएँ तो वी वन इंटू टी टू हो जाएगा, और ये टी वन वी टी टू टी वन वी टू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पी टू अपॉन पी वन इक्वल्स वी वन टी टू अपॉन टी वन वी टू, तो ये हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दिया है, इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे देते हैं। तो आप देखोगे इसमें भी पी टू अपॉन पी वन है एल एच एस में लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ भी पी टू अपॉन पी वन है, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं इक्वेशन वन और टू को। तो वन और टू को जब हमने इक्वेट किया तो यहाँ से क्या आ गया, वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा इक्वल्स वी वन अपॉन वी टू इंटू टी टू अपॉन टी वन, ये वैल्यू पुट अप कर दिए। अब इस वी वन अपॉन वी टू को हम इस तरफ भेजेंगे, इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, ये अपॉन में आएगा या फिर इस पर माइनस वन पावर हो जाएगा, तो टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये आप देखो यहाँ पे टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स हो गया वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा मल्टीप्लाइड बाई वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा, और ये माइनस वन क्योंकि ये उस एल एच एस से आर एच एस में आया, तो पावर माइनस वन हो गई। अब इन दोनों के बेस समान है तो इसकी जो पावर है वो एडअप हो जाएंगी, पावर एडअप होंगी तो क्या हुआ, इधर आप देखोगे टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स वी वन अपॉन वी टू गामा माइनस वन, गामा प्लस माइनस वन करेंगे तो गामा माइनस वन हो गया, ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं आगे, अब हम एक रेशियो डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, इंपॉर्टेंट है। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है वॉल्यूम बिफोर द कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो वी वन अपॉन वी टू, जैसे आप ये इस डायग्राम में देखेंगे तो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन क्या है, वी वन है, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन क्या है, वी टू है। तो वी वन अपॉन वी टू क्या हो गया, आपका कंप्रेशन रेशियो हो गया, और कंप्रेशन रेशियो को हम किससे शो करते हैं, आर से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब जैसे हमने वन टू प्रोसेस, वन टू भी एडियाबेटिक प्रोसेस है और थ्री फोर भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो इसमें टी थ्री अपॉन टी फोर क्या होगा, वी फोर अपॉन वी थ्री पावर गामा माइनस वन, इसको हमने पूरा ड्राइव नहीं किया, उसमें पूरा ड्राइव किया है। अब जैसे आप देखोगे वी फोर और वी वन, अब इसमें मैं एक बार पिछली स्लाइड में जाता हूँ, जस्ट हाँ, इसमें आप देखोगे कि ये वी टू और वी थ्री इक्वल है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, और वी फोर और वी वन इक्वल है, तो यहां पर भी इन्होंने हमने क्या किया है, यहां पर भी हमने क्या किया है, तो यहां पर भी यही किया है, टी थ्री अपॉन टी फोर इक्वल्स बी फोर अपॉन वी थ्री की पावर गामा माइनस वन। अब वी फोर की जगह मैं वी वन रख सकता हूँ क्योंकि वी फोर वी वन के इक्वल है, वी थ्री की जगह वी टू रख सकता हूँ, तो गामा माइनस वन, ये इक्वेशन नंबर फोर हो गया। अब इक्वेशन नंबर थ्री और फोर, तो इक्वेशन नंबर थ्री और फोर इक्वल हो गए क्योंकि दोनों में क्या है, आर एच एस बराबर है, जैसे ये वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस वन है, और आप देखोगे इक्वेशन नंबर जो थ्री था, इक्वेशन नंबर थ्री है, ये इक्वेशन नंबर थ्री है, तो इसमें भी आर एच एस में आप देखोगे तो वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस वन है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी ये वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा माइनस वन है आर एच एस में, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या होगा, इक्वल होंगे, तो जब इनके आर एच एस बराबर तो एल एच एस भी बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से आ गया आपका टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स टी थ्री अपॉन टी फोर। अब इन टर्म को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो टी टू अपॉन टी थ्री आ जाएगा, इक्वल्स आ जाएगा टी वन अपॉन टी फोर, ये हो गया। अब इनको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है, ये प्रोपोर्शन वगैरह पढ़ा होगा आपने, तो उल्टा करेंगे तो इधर टी थ्री अपॉन टी टू हो जाएगा, और इस तरफ को उल्टा करेंगे इस वाले को तो क्या हो गया, टी फोर अपॉन टी वन हो गया। अब दोनों से तरफ से आर एच एस और एल एच एस से हम क्या कर देते हैं, वन माइनस कर देते हैं, ठीक है, वन जब हम माइनस करेंगे, अरे छत पे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो सॉरी,
तो यहाँ पे हम देख रहे थे ये आ गया, ठीक है, वन दोनों तरफ से माइनस कर दिया। जब वन माइनस करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टी थ्री माइनस टी टू अपन टी वन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे तो टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी वन हो जाएगा, ये हो गया। तो अब इस टी वन को मैं इस तरफ भेज देता हूँ, टी थ्री माइनस टी टू को इस तरफ भेज देता हूँ, तो टी वन अपॉन टी टू इक्वल्स हो जाएगा टी फोर माइनस टी वन, ये हो गया। और इस तरफ वाला ये नीचे आ गया तो टी थ्री माइनस टी टू, तो टी वन अपॉन टी टू इक्वल्स क्या आ गया, टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू, ये हो गया। अब आप देखोगे जो एक्सप्रेशन निकाला था हमने, किसका एक्सप्रेशन निकाला था इफिशियंसी के लिए, तो वो था वन माइनस, वो एक्सप्रेशन जो हमने निकाला है वो था वन माइनस टी फोर माइनस, अभी जो एक्सप्रेशन अपन ने निकाला है वो था आपका वन माइनस टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू, ये एक्सप्रेशन था। तो ये यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, इसके बराबर ये आ गया टी वन अपॉन टी टू। तो जो इफिशियंसी का एक्सप्रेशन था वन माइनस टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू, तो टी फोर माइनस टी वन अपॉन टी थ्री माइनस टी टू की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, टी वन अपॉन टी टू पुटअप कर सकता हूँ। तो उस वो एक्सप्रेशन आपका किस तरह से आ जाएगा, वन माइनस जो इफिशियंसी का एक्सप्रेशन है वो एक तरह से बोलें तो इस तरह से आ जाएगा वन माइनस टी वन माइनस टी टू, ठीक है, सॉरी वन माइनस टी वन अपॉन टी टू, राइट, ठीक है। तो टी वन अपॉन टी टू को हम निकाल चुके हैं, वी टू अपॉन वी वन की पावर गामा माइनस वन, ठीक है। अब वी वन अपॉन वी टू तो कंप्रेशन रेशियो होता है आर, अब ये उसका कंप्रेशन रेशियो क्या है, रिवर्स है। तो टी वन अपॉन टी टू हो जाएगा वन अपॉन आर की पावर गामा माइनस वन, क्योंकि ये आर का उल्टा है। यहाँ पर आपने जो वैल्यू पुट अप की, ये वी टू अपॉन वी वन है, तो वी वन अपॉन वी टू इक्वल्स आर है, तो वी टू अपॉन वी वन इक्वल्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर। तो यहाँ पे ये आ गया, तो ऑटो साइकिल की यदि हम निकालें तो ये आ गया फाइनल एक्सप्रेशन, वन माइनस वन अपॉन आर की पावर गामा माइनस वन। तो आप देख सकते हो यहाँ से एक इन्फेरेंस ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जो ऑटो साइकिल इफिशियंसी है वो उसके कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा उतनी उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। लेकिन हम बहुत ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो उसमें नॉकिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो एक बार मैं इसको मोटे मोटे तौर पर समराइज करूँ इफिशियंसी के जो डेरिवेशन को, सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया है, फिर हमने इफिशियंसी का जो एक्सप्रेशन है वो निकाला। तो इफिशियंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, वन माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट एडिट। तो हीट जैसे हमने इसमें हीट जो एडिट है उसको क्यू वन लिया, हीट रिजेक्टेड क्यू टू लिया, तो वन माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन, और क्यू टू और क्यू वन की वैल्यूज को पुट अप कर दिया एम सी बी डेल्टा टी की टर्म्स में, तो एम सी बी एम सी वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो वन माइनस जो भी टेम्परेचर के टर्म्स में आ जाएगा। फिर हमने प्रोसेस वन टू और थ्री फोर को कंसिडर किया है, और वन टू और थ्री फोर में जो टेम्परेचर वाला एक्सप्रेशन है उस टेम्परेचर वाले एक्सप्रेशन को हमने चेंज किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कौन सी इक्वेशन, पी वन बी वन की पावर गामा इक्वल्स पी टू बी टू की पावर गामा एंड पी वन बी वन अपॉन टी वन इक्वल्स पी टू बी टू अपॉन टी टू, ऐसे हमने प्रोसेस थ्री फोर में किया है।